विरोध पर विरोध, कभी शिमला में हड़ताल, कभी हमीरपुर में प्रदर्शन, कभी कांगड़ा में हल्ला तो कभी छात्रों में रोष। आए दिन जगह जगह पर जयराम सरकार से नाराज लोग, कर्मचारी, संस्थाएं, विभाग या छात्रों समेत कई तरह के विरोध देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में अब HRTC वर्कशॉप के पीस मील वर्करों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनके लिए आज दिन तक कोई पॉलिसी सरकार ने नहीं लाई। कई दफा सरकार के नुमाइंदों से मिल चुके हैं लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिले। आखिर में तंग आकर वे धरना देने पर मजबूर हो गए, क्योंकि आज के दौर में सारा माह काम करके 6,000 रुपए में गुजारा करना काफी मुश्किल भरा हो गया है। एक पॉलिसी थी, उसे भी रोक दिया गया। उनकी मांग है कि उन्हें अनुबंध पर लाया जाए या फिर नियमित किया जाए। 6.5 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा हूं। हमारी पहले पॉलिसी बनाई गई थी कि हम 5 और 6 वर्ष, मतलब 5 टेक्निकल और 6 नॉन टेक्निकल, जिनकी ITI है वो 5 और जिनके नहीं है वो 6 साल के बाद अनुबंध पर लाए जाते हैं। मुझे 6.5 साल हो गए हैं, मैं ITI होल्डर हूँ, पर इन्होंने आज तक हमारी कोई भी सुध नहीं ली है, हमें कोई कॉन्टैक्ट पे नहीं किया है। 128 BOD मीटिंग में ये फैसला लिया गया था कि 5 और 6 की पॉलिसी के बाद इन्हें अनुबंध पर किया जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। जब भी हम ऐसा कुछ अपनी डिमांड बताते हैं इन्हें सरकार को या मैनेजमेंट को, तो ये बोलते हैं कर दिया जाएगा। हर बार हमें आश्वासन आश्वासन। 3 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन था शिमला में, हमें वहाँ भी आश्वासन दिया गया कि सोमवार 15 तारीख तक आपको कुछ ना कुछ आपका हल कर दिया जाएगा या पुरानी पॉलिसी बहाल कर दी जाएगी, पर वो भी नहीं हुई। तो इस कारणवश हमें आज 17 तारीख को टूल डाउन करके बैठना पड़ा। इतनी मेहनत करते हैं तब भी हमें हमारी मेहनत का फल नहीं दिया जा रहा। 5-6 हज़ार महीने का हमें सैलरी मिल रही है, उसमें आपको भी पता है, सभी को पता है कि 5-6 हज़ार में कोई भी खर्चा पूरा नहीं होता घर का। 5.5 सालों से सेवा दे रहा हूँ HRTC में। हमारी सिर्फ सरकार से एक ही मांग है कि जो हमारी 5-6 की पॉलिसी है उसको उजागर कर दें और जो अनुबंध में आने के लिए है उनको अनुबंध में लें। यही हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि जो भी है, जैसे भी है, कृपया करके हमें 5-6 साल की पॉलिसी में अनुबंध में लिया जाए। मंच के टूल डाउन हड़ताल से जहां HRTC वर्कशॉप का काम प्रभावित होगा, वहीं सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना रहेगी। इस पर मंच का कहना है कि टूल डाउन हड़ताल की हमें भी खेद है। हमारी हड़ताल से जहां हिमाचल के लोगों को कठिनाई होगी, वहीं HRTC में बसों को भी काफी नुकसान होगा। लेकिन आश्वासन से हम तंग आ चुके हैं, इसलिए ये सब कदम उठाने पड़ रहे हैं। उनकी 5-6 की पॉलिसी को बहाल किया जाए और उनकी सूद ली जाए। ना जाने कि इनके कहने पर यह पॉलिसी को रोक दिया गया और सरकार उन पर गौर तक नहीं कर रही। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज के दौर में महंगाई आसमान छू रही है, ऐसे दौर में गुजारा करना और भी मुश्किल भरा हो गया है। विभाग और मंत्री अपने निचले स्तर के कर्मचारियों की बात तक नहीं सुनते, या तो कुर्सियों पर बैठे बड़े बाबू उनकी अनदेखी कर रहे हैं या फिर सत्ताधारी नेता। ये सवाल जरूर उनकी जुबान पर है। मृत्युंजय पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।